बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां उनकी एक पुरानी जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। मामला 2017 का है, जो खुटहन थाना क्षेत्र में बलवा करने का दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर चल रहे थे। आज जमानतदार ने अपनी अर्जी देकर अपनी जमानत को निरस्त करवा दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से जेल भेज दिया गया। देखिए, पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज क्राइम नंबर 687/17, धारा 147, 148, 149, 123, 504, 506, 332, 353, 356, 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट थाना खुटहन में आज इन्होंने सरेंडर किया है, क्योंकि इसमें जो इनके प्रभु आशुतोष शर्मा द्वारा ये दरखास्त दी गई कि उन्होंने जो है धनंजय सिंह की जमानत ली थी, और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे न्यूज़ चैनलों समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि अभियुक्त धनंजय सिंह किसी अन्य अपराध में वांछित हैं, और मैंने इस शर्त पर जो है उनकी जमानत लिया था कि वह अन्य अपराधों में वांछित नहीं रहेंगे और जो है बराबर न्यायालय की कार्रवाई में सहयोग करेंगे और शर्तों का उल्लंघन नहीं करें। इस आधार पर हमने इनकी जमानत ली थी, लेकिन इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया। इस आधार पर माननीय न्यायालय स्पेशल जज एमपी एमएलए श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा आशुतोष शर्मा द्वारा दी गई दरखास्त को खारिज कर दिया, और उन्होंने यह आदेश किया कोर्ट मोरियर को कि वह जेल के नियमों के अनुसार अभियुक्त धनंजय सिंह को जेल में दाखिल करना सुनिश्चित करें।